हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं हूं डॉक्टर एस डी सुतरिया और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है। हम प्रैक्टिकली वीडियो देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, लेबोरेटरीज में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वही हम देख रहे हैं। तो ये उसका एम है, टू डिटरमाइन द क्वालिटी एनालिसिस ऑफ द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर, जो बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के लिए काम आएगा। ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो हमने यहाँ पर रख दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। इसमें से हमने जो ए बी सी डी वो ऑप्शन हमने देखा हुआ है, ठीक है, पर हमने प्रैक्टिकली सिर्फ ए और बी देखा है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे सी। देख सकते हैं आप, ड्राई टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल। आज का टॉपिक क्या है? ड्राई टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमने पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री में डिवाइड किया था, पर पार्ट वन जो है ड्राई टेस्ट, उसी के हमने दो पार्ट बना लिए हैं और वेट टेस्ट हम बाद में परफॉर्म करेंगे। मीन्स जो भी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद जो प्रिपरेशन करनी होती है वो हम बाद में लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, पर आज हम बात करते हैं ड्राई टेस्ट, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्टेट हमने देखा हुआ है, कलर ऑर्डर हीटिंग टेस्ट, ड्राई टेस्ट ऑफ द पॉजिटिकल। उसमें हीटिंग टेस्ट में हमने दो टेस्ट देखी थी, एक डायरेक्ट हीट देखी थी और दूसरी थी फ्लैम टेस्ट। ये है फ्लैम टेस्ट, वो भी हमने देखा हुआ है। बोरेक्स बीट टेस्ट, अल्कली टेस्ट, एसिड एक्सट्रैक्ट टेस्ट, ये हो जाता है ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिव रेडिकल। यहाँ तक हमने देखा हुआ है। हम आज स्पेशली बात करने में ड्राई टेस्ट फॉर द नेगेटिव रेडिकल। तो नेगेटिव रेडिकल अगर आपको दिया जाता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए लेबोरेटरी में चल के ये परफॉर्म करते हैं। उससे पहले थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं कि हम लेबोरेटरी में क्या परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ डायल्यूट HCl और डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। तो इनमें दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन आपको ले लेना है और उसके अंदर मिक्सचर ऐड करना है। मिक्सचर ऐड करने के बाद ये चार ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बाद में हम जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इफर्वेंसीज, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ सब में इफर्वेंसीज लिखा हुआ है। इफर्वेंसीज ऑफ CO2 गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे इफर्वेंसीज आएंगे, तो कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। इफर्वेंसीज आएंगे एन स्मेल ऑफ रॉटन एग विच टर्न्स लेड एसिटेटेड पेपर ब्लैक। लेड एसिटेटेड पेपर ब्लैक अगर हो रहा है तो सल्फाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइट इफर्वेंसी थोड़ा सा आएगा, देन टर्न्स डायक्रोमेट पेपर ग्रीन। अगर ये ग्रीन बन रहा है तो सल्फाइड टॉप प्रेजेंट है, SO3-2-। थोड़ा सा इफर्वेंसी आ रहा है एंड लाइट येलोइश गैस ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर रेडिश कलर का गैस आपको दिखेगा, अगर है तो वो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? NO2-1 नाइट्राइट। अगर NO3 है तो उसको नाइट्रेट बोलते हैं, NO2-1 है नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट सल्फाइड सल्फाइट एंड लास्ट नाइट्राइट, इसके लिए हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए लेबोरेटरी में चलते हैं। चलिए हम लेबोरेटरी में आ चुके हैं। हमें सबसे पहले तीन स्ट्रिप बनानी है। स्ट्रिप मीन्स आपके पास फिल्टर पेपर होगा, उस फिल्टर पेपर को इस तरह से काट लीजिए स्ट्रिप के साइज, एंड देन आपको लेड एसिटेट और पोटेशियम डायक्रोमेट का सॉल्यूशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमें दो पेपर बनाने हैं, लेड एसिटेट पेपर उसको ग्रीन बनाना है तो सल्फाइड हो जाएगा, एंड स्टार्च पेपर है उसको नो इफेक्ट करेगा तो नाइट्रेट प्रेजेंट आएगा, नाइट्राइट या नाइट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो और जो लेड एसिटेट है उसको हम ब्लैक बनाएंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, तो लेड एसिटेट की बॉटल मैंने ली है, उसमें वो स्ट्रिप उसको डिप कर रहा हूं, मीन्स वो वेट हो जाए। देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेट हो चुकी है, तो ये पेपर हमारा लेड एसिडेट पेपर रेडी हो गया। अब ये देखिए मैं स्ट्रिप ले रहा हूँ फिल्टर पेपर का ही है, उसको आप जिस तरह से काटना चाहो काट सकते हैं, उसको स्ट्रिप बना ली, देखिए मैंने बना लिया है। तो ये हो गया डायक्रोमेट पेपर, एक लेड एसिड पेपर हमने प्रिपेयर किया और एक डायक्रोमेट पेपर, ठीक है। और स्टार्च पेपर हमारे पास ऑलरेडी तैयार था तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, उसको हम ये रहा स्टार्च पेपर, उसको थोड़ा सा अब पानी में वेट कर लीजिए। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये पानी में थोड़ा सा भिगा दिया, मिस वो वेट हो गया है। तीनों पेपर हमें वेट चाहिए, उसको बिना बोलते हैं, मिस गीला गीला चाहिए, ठीक है, बिना होना चाहिए वेट पेपर। तो तीनों पेपर हमारे पास है, डायक्रोमेट पेपर,
लेड एसिटेट पेपर, स्टार्ट पेपर। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी मिक्सचर आपको फाइंड आउट करने का दिया हुआ है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले HCl ले लीजिए, डाइल्यूट HCl। तो चलिए हम लैबोरेटरी में आ चुके हैं, डाइल्यूट HCl हमने लिया हुआ है, उसके अंदर आपको मिक्सचर ऐड करना है, ठीक है। डाइल्यूट HCl ले लीजिए, मिक्सचर ऐड कर दिया है और उसके अंदर आपको ये पेपर रखने हैं। तो पेपर रखने के बाद क्या होगा, तो आपको वो देखना है कि क्या हो रहा है। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है, लेड HCl पेपर ब्लैक, डायक्रोमेट पेपर ग्रीन, या फिर स्टार्च पेपर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, नो इफेक्ट ऑन स्टार्च पेपर, तो आपको वो ऑब्जर्व करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ भी असर नहीं हो रहा डायक्रोम पेपर पे। मीन्स वो एब्सेंट हो जाएगा, क्या सल्फाइट, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे थे, मीन्स कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। और मैं आपको दूसरा ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो लेड एसिडेट पेपर है वो ब्लैक बन रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कार्बोनेट है वो एब्सेंट है, वो कन्फर्म हो गया है। ओके चलिए और एक देख लेते हैं, कार्बोनेट सॉरी प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, सल्फाइट एब्सेंट है। लेड एसिडेट पेपर ब्लैक हम ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है लेड एसिडेट पेपर ब्लैक। स्टार पेपर हमने लिया था, वो भी कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स NO2 माइनस हो सकता है। पर क्या हो सकता है, जब उसमें रेड कलरेशन आए, रेड कलर का गैस हो, तब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है, तो सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट है। मेरे पास तीन मिक्सर है, तो मैं मिक्सर चेंज कर लेता हूँ, 1, 2, 3। तो देखिए सेकंड मिक्सर है, उसमें शायद आपको दूसरे वाले रेडिकल दिख जाए, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे रेडिकल बताने की यहाँ पे कोशिश की है। ये वीडियो आप पूरा देखते रहिएगा, आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा मिक्सर ले लेते हैं, हमने एक और मिक्सर ले लिया है, ओके। तो हमने और एक मिक्सर लिया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं मैं स्टार्च पेपर लिया हुआ है और लेड एसिड पेपर लिया हुआ है। तो देखिए लेड एसिड पेपर मैं यहां पर रख रहा हूं, उसमें सल्फाइड H2- प्रेजेंट था, तो ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, चेक कर रहे हैं हम, और आपको वन बाय वन सभी पेपर को रखना है, वन बाय वन सभी पेपर को वहां पर रखना है। देखिए आप देख सकते, थोड़ा सा स्पॉट बन चुका है, देखिए यहां पे, मींस ये प्रेजेंट है। थोड़ा सा ज्यादा भी आप कर सकते हैं ट्राई, तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ब्लैक बन रहा है नहीं बन रहा है, मींस लेड एसिड पेपर ब्लैक बन रहा है। और एक और कंपाउंड लिया था, उसमें NO2 माइनस था। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको देखना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर येलोइश हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि वो NO2 माइनस नाइट्राइट प्रेजेंट है। देखिए मैंने थोड़ा ज्यादा किया, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट बन चुका है ब्लैक कलर का, पर लाइटिंग थोड़ी ज्यादा है इसीलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, पर ब्लैक जरूर हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हीट किया, तो आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर येलोइश दिख रहा है। देखिए टेस्ट ट्यूब ध्यान से देखिए, टेस्ट ट्यूब पूरी की पूरी येलोइश दिख रही है, ठीक है। और वो येलो इस गैस जो है वो स्टार्च पेपर इफेक्ट नहीं कर रहा है, मीन्स नाइट्राइट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब सल्फ्यूरिक एसिड वाली टेस्ट देख लेते हैं, तो मिक्सर ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, मिक्सर प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर हमें वही सब ऑब्जर्वेशन देखना है वन बाय वन। तो देखिए मैंने इंस्टेंटली ऐड किया, तो उसमें से कुछ येलोइश और ब्राउनिश फ्यूम्स निकल रही है, मींस Br- हो सकता है, NO3- हो सकता है, या फिर NO2- हो सकता है। तो हम वन बाय वन स्टार्च पेपर इफेक्ट करने के ट्राई करेंगे, अगर इफेक्ट हो रहा है तो Br- प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रहा है तो NO3- प्रेजेंट है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, स्टार्च पेपर मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर, अगर येलोइश हो रहा है मीन्स वो क्या हो जाएगा, यस Br- प्रेजेंट ब्रोमाइड, अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, NO3- नाइट्राइट, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा जो स्टार्च पेपर था येलो हो चुका है, मैक्सिमम येलोइश हो चुका है, फिर से ये कलरेशन का प्रॉब्लम है, मींस आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, पर वो येलो जरूर बना था, ठीक है। अब ये देख सकते हैं मैंने सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड किया था, दूसरा कंपाउंड लिया मैंने मिक्सचर, तो उसमें पर्पल जैसा दिख रहा है, मीन्स वायोलेट कलरेशन दिख रहा है, मीन्स आई माइनस प्रेजेंट, ठीक है। मैंने तीसरा कंपाउंड लिया, तीन मिक्सर यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें देखिए
कलरलेस गैस इवॉल्व हो रहा है, कलरलेस गैस इवॉल्व, ठीक है, और स्लाइट येलोइश भी दिख रहा है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो NH4OH में एक ग्लास रोड लेंगे, उसको डीप करेंगे एंड देन उसके ऊपर क्या रखेंगे, तो ये ग्लास रोड है टेस्ट ऊपर रख देंगे, तो बहुत सारी फ्यूम्स आएगी, वाइट फ्यूम्स। एक ग्लास रोड लेना है, उसको NH4OH में डीप करना है और वो NH4OH वाला ग्लास रोड आपको टेस्ट ट्यूब पे रखना है। तो देखिए बहुत सारा फ्यूम्स आ रहा है, अगर मैं वहां से निकाल लूंगा, देखिए स्टार्च पेपर भी येल्लो हो रहा है, देखिए स्टार्च पेपर भी येल्लो हो रहा है, मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं, Br- प्रेजेंट। तो दूसरा जो मिक्सचर है उसमें Br- प्रेजेंट है, और ग्लास रोड वाला जो टेस्ट है वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अब ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे फिर से मैंने तीन मिक्सचर लिए हुए, उसमें से नेक्स्ट मिक्सचर लेके फिर से आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ यहाँ आपको। यहाँ पे पीछे राजू का कार है, वो हमारे लैब के प्यून हैं, वो मेरे ये वीडियो बनाने में बहुत सारी मदद की है उन्होंने, मैं उनका आभारी हूँ। देखिए मैं हीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा का सारा अरेंजमेंट उन्होंने करके दिया है मुझे, ठीक है। तो देखिए इसमें से आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीन्स येल्लोइश फ्यूम्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, येल्लोइश फ्यूम्स। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब मैंने ब्लैंक लिया और एक टेस्ट ट्यूब में NO3 माइनस गैस है, देखिए येल्लोइश फ्यूम्स दिख रही है। देखिए फिर से मैं आपको बनाते का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए येल्लोइश फ्यूम्स, हम जब टेस्ट ट्यूब कंपेयर करेंगे तो वो आपको जरूर दिखेगी। मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, देखिए ये जो है येल्लोइश दिख रहा है और ये है ट्रांसपेरेंट, मींस ये प्रॉपर सॉल्यूशन है और ये NO3 माइनस का सॉल्यूशन है, मींस NO3 माइनस इसमें लिब्रेट हो रहा है, वो रोज स्टार्च पेपर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। मैं यहाँ आपको ये बताना कि ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो ऑप्शन है वो आपको पता चल जाए। आई माइनस मीन्स पर्पल होता है आई माइनस, Br माइनस ब्राउनिश रेड होता है, NO3 माइनस ब्राउनिश रेड होता है, Br माइनस स्टार्च पेपर को इफेक्ट करता है, ठीक है, स्टार्च पेपर इफेक्ट करता है, और NO3 माइनस वो स्टार्च पेपर इफेक्ट नहीं करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा परफॉर्म करके दिखाया, ठीक है। एंड देन सल्फाइड और सल्फाइट वो भी आप देख सकते हैं एक बार। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक मिक्सचर लिया है मैंने, उसमें S2 माइनस प्रेजेंट है, वो भी आप देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा टेस्ट दिखाता हूँ, क्लोरीन का Cl माइनस। तो एक मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है मिक्सचर का, उसमें हमने सॉल्यूशन लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, और देखिए NH4OH में डीप करके मैं ग्लास रोड यहाँ पे रख रहा हूँ, तो बहुत सारी फ्यूम्स आ रही है। अगर मैं ग्लास रोड ले लेता हूँ तो देखिए फ्यूम्स थोड़ी सी कम हो जाती है, मगर ग्लास रोड रखता हूँ तो देखिए बहुत सारी फ्यूम्स आ रही है, मीन्स Cl माइनस प्रेजेंट क्लोराइड। देखिए फ्यूम्स तो आ रही है, पर ग्लास रोड जब ऐड करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्यूम्स आ रही है, देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्यूम्स आ रही है। अगर इतनी सारी फ्यूम्स आ रही है तभी आप जाके कह सकते हो क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए सल्फाइड देख लेते हैं, सल्फाइड। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेड एसिड पेपर लिया हुआ है, वो एकदम क्लियर है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है, पर मैं उसके टेस्ट ट्यूब को गर्म करूँगा, हीट करूँगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसके अंदर आपको एक स्पॉट बन जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि लेड एसिड पेपर थोड़ा सा ब्लैक होने लगा है, थोड़ा थोड़ा, देखिए ये तो आपको ज़रूर दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लैक बन रहा है, पूरा ब्लैक। अगर थोड़ा ज़्यादा हीट करेंगे तो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो देखिए फिर हमने क्या देखा, मिक्सचर प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने आई माइनस देखा, वहां पे वायोलेट कलरेशन आ रहा था, एक एक जगह पे हमने देखा था वायोलेट कलरेशन, ठीक है, आई माइनस प्रेजेंट। एक जगह पे ब्राउनिश रेड गैस आ रहा था, उसका मतलब NO3 माइनस नाइट्रेट, Br माइनस ब्रोमाइड एंड NO2 माइनस नाइट्राइट। अगर ब्राउन गैस टर्न्स वेट स्टार्च पेपर येल्लो तो Br माइनस प्रेजेंट होगा, स्टार्च पेपर येल्लो बन रहा है तो Br माइनस होगा, नो इफेक्ट ऑन स्टार्च पेपर, देखिए नो टर्न्स वेयर स्टार्च पेपर येल्लो, नो इफेक्ट, तो मींस NO3 माइनस होगा। वो दोनों मैंने आपको करके दिखाया, Br माइनस और NO3 माइनस, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मिक्सचर में। Cl माइनस क्या हो गया, तो वाइट फ्यूम्स विथ NH4OH, तो वाइट फ्यूम्स जो होता है वो NH4OH के साथ ग्लास रोड पे हमें दिखते हैं, क्लोराइड आयन प्रेजेंट। देन लास्ट में आप देख रहे हैं सल्फाइड, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो स्मेल ऑफ रॉटन एग एंड टर्न्स लेड एसिडेड पेपर ब्लैक, तो सल्फाइड डव प्रेजेंट, वो भी मैंने आपको करके दिखाया। तो जो पूरे के पूरे रेडिकल यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाए हैं।
तो वो आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट आ रही है फॉस्फेट टेस्ट। तो ये फॉस्फेट टेस्ट का मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने उसको अलग से करवा रखा है। तो सिंपल देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए फॉस्फेट में क्या करेंगे, मिक्सचर प्लस कॉन्सेंट HCl में सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसको हीट करेंगे और फिल्टर कर लेंगे। अगर मिक्सचर सॉल्यूशन बन रहा है तो हीट फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, अगर मिक्सचर पूरा सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो आपको उसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर कर लीजिए एंड देन फिल्टर जो आता है उसके अंदर आप नाइट्रिक एसिड ऐड कीजिए एंड देन अमोनियम मोलिब्डेट ऐड कीजिए एंड देन आपको उसको हीट करना है। अमोनियम मोलिब्डेट जो है वो एक्सेस लेना है, ज्यादा लेना है, एंड देन हीट करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन येलो प्रेसिपिट ऑब्टेन। अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ आर्सेनेट, आर्सेनाइट एंड फॉस्फेट मे बी प्रेजेंट, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो चलिए लेबोरेटरी में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी जगह राजू काका है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको वीडियो में परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक फॉस्फेट वाला मिक्सर ले लिया है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब एक मिक्सर ले लीजिए। पूरा का प्रोसेस आपको देखना है कि कैसे फॉस्फेट टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट ट्यूब में मिक्सर ले लिया है, कलरलेस मिक्सर है, उसको आपको कॉन्सेंट्रेट HCl ऐड करके हीट करना है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट HCl ऐड कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड कर रहे हैं एंड देन उसको हीट करना है। तो देखिए हमने बर्नर ऑन रखा है, बर्नर पे हम हीट करेंगे इसे, थोड़ा सा स्टर कर लीजिए एंड देन टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ के ही आपको इसका हीट करना है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट HCl लिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा वीडियो आपको देखना है, मैंने थोड़ा जूम कर लिया यहां पे तो आपको इजीली दिखाई दे। देखिए बर्नर ऑलरेडी ऑन है, हमने इसको हीट किए रहे हैं, हम हीट करने के बाद उसको फिल्टर कर ले, अगर सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो, अगर बन रहा है तो फिल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कौन सा टेस्ट है, फॉस्फेट, फॉस्फेट टेस्ट है, PO4-3 फॉस्फेट। तो देखिए हीट हो चुका है यहां पे एंड देन हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा है एक फनेल, फिल्टर पेपर एंड बीकर। देखिए साइड में आप देख सकते हैं यहां पे फनेल, फिल्टर पेपर एंड बीकर। तो फिल्टर पेपर में फिल्टर कर लीजिए और नीचे देख सकते हैं हम उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, एसिड एक्सट्रैक्ट उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड एक्सट्रैक्ट। वो आपको Fe+2 Fe+3 की जो सॉल्यूशन की टेस्ट है उसमें भी आपको सेम यही करना है, ड्राई टेस्ट फॉर द पॉजिटिकल Fe+2 Fe+3, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। तो देखिए ये फिल्टरेड है, थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए 1 या 2 ml और उसके अंदर ऐड कर दीजिए नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया, उसको थोड़ा स्टर कर लिया एंड देन उसके अंदर हम ऐड करेंगे अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन, अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन एक्सेस अमाउंट, ज्यादा हमें ऐड करना है एक्सेस। तो देखिए यहां पे राजू काका ऐड कर रहे हैं, उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की है वीडियो बनाने में। तो देखिए यहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट ले लिया है एंड देन उसको हम हीट करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ के उसको हीट करना है। ये अमोनियम मोलिब्डेट है, आप देख सकते हैं यहां पे, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लीजिए और उसको हीट कीजिए एंड देन इंस्टेंटली आपको येलो प्रेसिपिट दिखेंगे या थोड़ी देर बाद भी आ सकते हैं। आपको ऐसा ना लगे कि इंस्टेंट नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट नहीं है, आपको थोड़ी वेट करना है। अगर थोड़ा वेट करने के बाद आ रहे हैं तो भी फॉस्फेट हो सकता है, आर्सेनेट हो सकता है या आर्सेनाइट हो सकता है प्रेजेंट, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूं, देखिए थोड़ा सा हीट करने के बाद इंस्टेंटली येलो प्रेसिपिट आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये येलो प्रेसिपिट प्रेजेंट है, ठीक है, मींस फॉस्फेट। फॉस्फेट के बाद आता है बोरेट। तो बोरेट टेस्ट BO3-3 कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक इवेपोरेटिंग डिश लेनी है, इवेपोरेटिंग डिश, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है 2 या 3 ड्रॉप्स,
देन अल्कोहल ऐड करना है, इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल ऐड करना है और उसको इग्नाइट करना है, उसको आपको जलाना है, ठीक है। इग्नाइट करेंगे तो ग्रीन फ्लेम दिखेगी, और ग्रीन फ्लेम आ रही है उसका मतलब BO3-3 प्रेजेंट है, बोर है। तो चलिए लेबोरेटरी में देख लेते हैं। तो चलिए हम लेबोरेटरी में आ चुके हैं, फिर से एक बार राजू काका आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे राजू काका एक ईव अपनी डिश लिया हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा मिक्सर लिया है, उस मिक्सर को देखिए ग्रीन टाइप का मिक्सर आप देख सकते हैं ईव अपनी डिश में। सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, उसको ग्लास फ्लोर से थोड़ी सी पेस्ट बना लेंगे, एंड देन उसके अंदर अल्कोहल ऐड करना है, इथेनॉल C2H5OH। तो ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, देख सकते हैं इथेनॉल की वाइट बॉटल यहाँ पे पड़ी हुई है, लेबोरेटरीज में अक्सर अवेलेबल होता है अल्कोहल। देखिए थोड़ा सा हमने अल्कोहल ऐड कर दिया है, एंड देन उसके अंदर आपको माचिस के एक स्टिक लेके उसको इग्नाइट करना है, उसको आपको जलाना है। गुजराती में सड़गा हुए वो आपने कही है इसे। तो चलिए उसको इग्नाइट करते हैं। अल्कोहल को थोड़ा साइड में रख लीजिए, वरना वो फ्लेमेबल कंपाउंड है तो फ्लेम में वो जल सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने इग्नाइट किया है, सॉरी राजू काका ने किया है, और ग्रीनिश फ्लेम आ रही है, आप देख सकते हैं ग्रीन फ्लेम, जो स्लाइड के कॉर्नर है वो ग्रीन आ रहे हैं, मैक्सिमम येल्लो है पर स्लाइड का कॉर्नर ग्रीन है, आप देख सकते हैं ध्यान से, देखिए ग्रीनिश फ्लेम आ रही है, जो उसकी बॉर्डर है वो बॉर्डर ग्रीन टाइप है, ठीक है, उसका मतलब बोरेट प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो बोरेट हमने प्रेजेंट बता दिया है। उसके बाद आता है वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट, पर मुझे लगता है ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे रखता हूँ मैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पहला वाला वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है, ध्यान से देखा है, समझा है, उसको लेबोरेटरी में आप एक बार परफॉर्म करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे हमें परफॉर्म करना है। आप एक बार वीडियो देख लीजिए एंड देन परफॉर्म कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए यहाँ तक रखना हो, थैंक यू।